जोहार एंड नमस्कार, वेलकम टू एसेटेक न्यूज। जोकी है रांची का फर्स्ट टाउनशिप जहां मिलेगा आपको मेट्रो सिटीज जैसे एमिनिटीज, क्लब हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ सभी फैसिलिटीज एंड बेस्ट लेआउट प्लान्स। और यही सब बना रहा है एसेटेक हिल्स को सिर्फ शहर का ही नहीं बल्कि राज्य का लोकप्रिय टाउनशिप। तो अब आपको मिलेगा मेट्रो सिटी वाला लाइफस्टाइल अपने शहर रांची में और आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रांची में ही। यहाँ पर है लाविश क्लब हाउस, मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड टेम्पल। घर के सीनियर्स के लिए स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट्स और बच्चों के लिए किड्स प्ले जोन। इसी टाउनशिप में आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल। आपका प्रेफरेंस रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल, यहाँ पर है सब कुछ। आपका बजट 25 लाख हो या फिर 80 लाख, आपके बजट के अनुसार एसेटेक में है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ के बारे में यहाँ के असिस्टेंट जनरल मैनेजर मिस्टर श्यान से। जोहार सर। सर, हमने एसेटेक हिल्स के बारे में काफी कुछ सुना है और इसको लेके हमारे मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं और आज हम इन क्वेश्चंस का आंसर लेने आए हैं। तो सर, आप हमें बताइए कि एसेटेक रांची में बन रहे दूसरे सोसाइटी से किस तरह अलग है। सर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोटेक को बाकी सोसाइटीज से डिफरेंट बनाते हैं। मैं कुछ फैक्टर्स आपको जो है पॉइंट आउट करता हूं। अगर आप देखें तो रांची जैसे सिटी में जो है मैक्सिमम जो भी डेवलपर्स और सोसाइटीज डेवलप हो रही है वो कहीं ना कहीं एक एकड़ से लेकर के डेढ़ एकड़ में जो है पूरी सोसाइटी को बना दिया जा रहा है। लेकिन एसोटेक हिल्स में आपको देखने को ये मिलेगा कि इवन हमारा सेक्टर 1 जो बन रहा था वो 3 एकर्स में हमने बनाया, उसके बाद जो हमारा सेक्टर 2 आ रहा है ये हमारा 5 एकर्स में आ रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि इवन 5 एकर्स में हमने 40% में सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और 60% जो है हमने ओपन स्पेस रखा हुआ है। एक चीज और जो हमारे सोसाइटी को, हमारी टाउनशिप को बाकी सोसाइटी से जो है अलग बना रही है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी एमिनिटीज वगैरह आपको देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं हमारी जो भी मेट्रो सिटीज में जो एमिनिटीज होती थी वो एमिनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक क्वालिटी के हिसाब से देखें आप, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। सर, आपने एक वर्ड यूज किया टाउनशिप। सर, आप हमें थोड़ा समझाइए कि क्या है ये टाउनशिप। सो बेसिकली टाउनशिप को अगर मैं आपको जनरल वर्ड्स में समझाऊं ना, तो जब आप फ्लैट लेने के बारे में सोचते हो, जब आप एक अपार्टमेंट में मूव करने के बारे में सोचते हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, राइट? जैसे कि ग्रोसरीज मेरी कितनी दूर पे है, नर्सिंग होम कितना दूर पे होगा, मेरा स्कूल कितनी दूर पे है। तो जो टाउनशिप होती है, टाउनशिप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को जो आपके दिमाग में अराइज हो रही है इसका सॉल्यूशन के साथ एक टाउनशिप बनती है। यानी कि जो टाउनशिप है हमारी, जो हम एक टाउनशिप बना रहे हैं, यहाँ पे आपको स्कूल भी अवेलेबल मिलेगा, नर्सिंग होम भी अवेलेबल है और जो भी ग्रोसरीज वगैरह के लिए जो शॉप्स चाहिए वो हमारी जो कमर्शियल जो टावर आ रही है जहाँ पे हम शॉप्स अवेलेबल करा रहे हैं वहाँ पे भी ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेगी। एसेटेक हर एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स को अपनी सोसाइटी में किस तरह से मीट करता है सर? इसका आंसर जो है आपको एमिनिटीज पार्ट से मिल जाएगा। जिस तरीके से अगर आप देखें कि जब आप दिन भर फ्लैट में रहते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि हाँ शाम में आकर के आप बैठे, दिस इज एक्चुअली फॉर द ओल्ड एज पीपल। तो ओल्ड एज पीपल के लिए हमने क्या किया है कि हम यहाँ पे सिट आउट एरिया बना करके दे रहे हैं, उनके बैठने के लिए, बात करने के लिए जो है हम गार्डन बना करके दे रहे हैं। रह गई बात बच्चों की, छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चों के लिए हम यहाँ पे किड्स प्ले एरिया बना रहे हैं। एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो स्विमिंग पूल हमारे सोसाइटी में आपको देखने को मिल जाएगा, क्रिकेट पिच देखने को मिल जाएगी, हाफ बास्केटबॉल फील्ड कोर्ट देखने को मिल जाएगा, फिर बैडमिंटन कोर्ट है। तो ऐसी कुछ एमिनिटीज वाले पार्ट को मिला करके हमने इस तरीके से बनाया कि हम सारे एज ग्रुप को जो है हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। सर, हमने ये भी सुना है कि जैसे कुछ फ्लैट्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं या फिर क्वालिटी इशू होता है, तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं।
सो इसका आंसर जो है ना आपको डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है, ठीक है। एसोटेक जो हमारे डेवलपर हैं ये नोएडा बेस्ड डेवलपर हैं और हमारी ऑल ओवर इंडिया कंस्ट्रक्शन जो है चल रही है। जैसे कि बड़ी सिटीज़ में आप काउंट करें, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ऐसी जगहों पर हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जब एक ऐसे माइंडसेट के डेवलपर जब आपकी सिटी रांची में आते हैं तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी ये काफ़ी ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को अगर आप ध्यान में रखते हुए जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ए ग्रेड के मटेरियल्स हैं, प्लस यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारे एसपीडी कॉन्ट्रैक्टर्स आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके थ्रू जो है हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम क्वालिटी का जो अश्योरेंस होता है वो हम पूरी तरीके से कस्टमर्स को यहाँ पे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट, क्या एसोटेक किसी बैंक से एसोसिएटेड है फॉर होम लोन? बिल्कुल, अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है, किसी भी जो भी डेवलपर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को ऑन करते हैं तो प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वैसे ही हमने भी लिया है। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो SBI से अप्रूव्ड है, ग्रामीण बैंक से जो है अप्रूव्ड है, पंजाब नेशनल बैंक से अप्रूव्ड है और ऐसे और भी बैंक है जिनसे हमारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है। यहाँ पर किस तरीके का फ्लैट्स है एंड कितनी फैमिलीज यहाँ पर आने वाली है? सेक्टर 1 की अगर हम बात करें तो सेक्टर 1 में हमने 1 BHK, 2 BHK एंड 2.5 BHK बनाया था। टोटल जो नंबर ऑफ फैमिलीज और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो 550 है सेक्टर 1 में। सेक्टर 2 की अगर हम बात करें तो सेक्टर 2 में हमने 2.5 BHK एंड 3 BHK बनाया है, वहाँ पे 720 फ्लैट्स हम बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी डिटेल में हमें सब कुछ बता दिया। बहुत ही जल्द एसोटेक हिल्स बन जाएगा 560 प्लस फैमिलीज का नया पिन कोड। सेक्टर 1 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है और सेक्टर 2 की कंस्ट्रक्शन काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है। आज ही अपना साइट विजिट प्लान करें और अपना नया मेट्रोपॉलिटन आशियाना बुक करें।